गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन अर्लियर क्लास आई हैव गिवन यू वन पैसेज फॉर प्रैक्टिस एंड टुडे आल्सो आई एम गिविंग यू वन पैसेज. ओके, आई एम रीडिंग द पैसेज एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट. सो गो थ्रू इट. स्कीमोज लिव इन इन द पोलर एरियाज. स्कीमोज जो हैं वो लोग पोलर एरियाज में रहते हैं. What is the meaning of polar areas? Polar areas हम लोग generally बोलते हैं northern region को. ठीक है, वो region जो northern region को कहते हैं. और ये जो Eskimos होते हैं ये लोग generally उस northern region पे रहते हैं. ठीक है, और ये लोग region covered करते हैं कहाँ से, eastern Siberia से लेकर Alaska तक ये लोग रहते हैं. Canada में भी रहते हैं, Greenland में भी रहते हैं. ठीक है, और ये जो polar areas होता है ये काफ़ी बर्फीला जगह होता है, वहाँ पे generally बहुत बर्फ रहती है. दे आर नॉट यूजुअली टॉल बट दे हैव पावरफुल लेग्स एंड शोल्डर्स. वो लोग ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, उन लोगों की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, वो लोग हाइट में काफ़ी शॉर्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन उनके जो भी लेग्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और शोल्डर्स भी. ठीक है, उनके जो लेग्स हैं और जो शोल्डर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं. They have a common language and can understand members of another group. उन लोगों की एक common language होती है जिससे दूसरे group के जो लोग होते हैं वो लोग भी उसे easily समझते हैं. okay? Although they may come from many thousands of miles away, वो लोग वहाँ पर एकदम thousands of miles से दूर से आए हुए हैं. ठीक है, वो लोग वहाँ के पास के लोग नहीं हैं, वो लोग बहुत दूर से वो लोग वहाँ पर migrate करके आए हैं. मैरिज इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट. उन लोगों में जो भी शादियां होती हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से होती हैं. ठीक से, ठीक है, आपस की साझेदारी से होती है. दे डू नॉट हैव अ स्पेशल मैरिज सेरेमनी. उन लोगों के यहाँ स्पेशल मैरिज सेरेमनी नहीं होती है, जैसे आप लोग यहाँ होती है ना कि ग्रैंड पार्टी होती है, पाँच छः दिनों का कुछ ओकेजन्स होता है. ठीक है, बहुत सारी रस्में होती हैं, उन लोगों में वैसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, उन लोगों की जो भी शादी होती है वो एकदम नॉर्मल शादी होती है, ज़्यादा स्पेशल सेरेमनी उन लोगों के यहाँ नहीं होती है. स्कीमोस लिव बाय हंटिंग एंड फिशिंग. वो लोग कैसे जीते हैं, उन लोगों के जीने का साधन क्या है, वो लोग क्या खाकर पीकर रहते हैं. जनरली वो लोग हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, इसी से उनकी ज़िंदगी चलती है. ठीक है, इसी से वो लोग ज़िंदा रहते हैं. स्कीमोस लिव बाय हंटिंग एंड फिशिंग. वो लोग हंटिंग करते हैं मतलब शिकार करते हैं. ओके, जानवरों का शिकार करते हैं और वो लोग फिशिंग भी करते हैं. द एस्किमोस स्नो हाउस विच इज़ कॉल्ड एन इग्लू इज़ वेरी वेल नोन, बट इन फैक्ट एस्किमोस यूजुअली लिव इन हाउसेज मेड ऑफ वुड एंड टर्फ. एस्किमोस जो हैं वो लोग जनरली स्नो हाउस में रहते हैं. ठीक है, जैसे इग्लू बोलते हैं, इग्लू आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे, एस्किमोस भी आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे. एस्किमोस का जो घर होता है ना वो एक गोल टाइप का होता है. ठीक है, एक राउंड टाइप का होता है और उसके आगे में एकदम बिल्कुल छोटा सा उसका पोर्शन, उसका एक हेड बना हुआ रहता है जिसको आप लोग कह सकते हो दरवाज़ा, फ्रंट पोर्शन जो कि काफ़ी छोटा होता है. ठीक है, और वो लोग छोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जनरली वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं और वो लोग उनके घर के अंदर ना आ सके, इसलिए वो लोग आगे का जो एंट्रेंस होता है उसको काफ़ी छोटा बनाते हैं. ठीक है, और वो लोग जो स्नो हाउस में रहते हैं उसको हम लोग इग्लू बोलते हैं. और जनरली वो लोग क्या करते हैं जो, और ये इग्लू है ये बहुत ही फेमस है, फेमस नोन है. ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको एसएसटी में भी पढ़े होंगे. बट इनफैक्ट इसको एस्किमोस यूजुअली लिव इन हाउसेस मेड ऑफ वुड एंड टर्फ. बट जनरली एस्किमोस वैसे घर में रहते हैं जो लकड़ियों से बना हुआ रहता है और टर्फ से बना हुआ रहता है. व्हाट इज़ टर्फ बेटा? टर्फ क्या होता है? टर्फ जो होता है वो एक ऐसा लेयर होता है जिसमें ग्रास होता है और वो सोल से वो कनेक्टेड रहता है. ठीक है, और उसमें उसकी रूट्स भी होती है. ठीक है, उसको हम लोग टर्फ बोलते हैं. तो एस्किमोस जनरली वैसे घर में रहते हैं जो वुड से और टर्फ से बना रहता है. व्हेन दे आर नॉट हंटिंग, जब वो लोग हंटिंग नहीं करते हैं, एंड वर्किंग, जब वो लोग हंटिंग नहीं करते हैं, जब वो लोग शिकार नहीं करते हैं या कोई काम उन लोगों को नहीं होता है, तो जनरली एस्किमोस लाइक टू कार्व. वो लोग कार्व करना पसंद करते हैं. व्हाट इज़ कार्व? कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना किसी भी चीज़ पे. वो लोग क्या करते हैं, वुड्स को कट करते हैं या फिर जो एलिफेंट्स का जो टस्क होता है, ठीक है, उस पर वो लोग नक्काशी करते हैं.
दे यूज़ आइवरी एंड वुड. वट इज़ आइवरी? आइवरी जो होता है वो एक हार्ड वाइट मटेरियल होता है. किस चीज़ का? एलिफेंट के टस्क का. ठीक है, दे यूज़ आइवरी एंड वुड. वो लोग आइवरी और वुड यानी कि लकड़ी को वो लोग यूज़ करते हैं. एंड दे ऑफन मेक वेरी ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स. और वो लोग उससे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं. कब? जब वो स्पेयर होते हैं, जब वो फ्री होते हैं. ठीक है, आई होप कि इस पैसेज का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा. ये पैसेज आपको करना है. फर्स्ट यू विल हैव टू राइट डाउन दिस पैसेज इन योर नोटबुक एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, अगेन आई एम रीडिंग द पैसेज वंस अगेन. Eskimos live in the polar areas. They are not usually tall, but they have powerful legs and shoulders. They have a common language and can understand members of another group. Although they may come from many thousands of miles away, marriage is by mutual consent. They do not have a special marriage ceremony. Eskimos live by hunting and fishing. The Eskimo snowhouse, which is called an igloo, is very well known. But in fact, Eskimos usually live in houses made of wood and turf. When they are not hunting and working, Eskimos like to carve. They have ivory and wood. And they often make very beautiful objects. Okay, this is the passage. Now we have to do the questions. Number one, what do Eskimos look like? Eskimos जो होते हैं वो लोग कैसे दिखते हैं, वो लोग किस तरह से दिखते हैं. ठीक है, तो आई होप कि इसका आंसर आप लोग इसमें से ढूंढ सकते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन हिंदी ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, How does a common language help them? जो common language होती है, जो same language होती है, ठीक है, जिससे कि लोग आपस में समझ सकें एक दूसरे की बातों को, तो वो जो common language होती है वो कैसे Eskimos को help करती है? Common language जो है वो उन लोगों के कैसे काम आती है? Now next question. Your next question is, how do Eskimos earn their living? Eskimos जो हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? How they earn their living? वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि वो लोग ज़िंदा रहते हैं? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्टिविटीज डू दे एंगेज इन ड्यूरिंग देयर स्पेयर टाइम? बेटा स्पेयर टाइम क्या होता है? स्पेयर टाइम इज लीजर टाइम. ठीक है, जब भी वो लोग खाली रहते हैं, जैसे आप लोग जब भी स्पेयर रहते हो तो आप लोग क्या करते हो? अपना होमवर्क करते हो या फिर पेंडिंग वर्क करते हो ना, जो वर्क आपका काफ़ी टाइम से बचा हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेयर टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे भी Eskimos के लिए क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट एक्टिविटीज़ डू दे इंगेज इन ड्यूरिंग देयर स्पेयर टाइम. अपने स्पेयर टाइम में वो ऐसे क्या एक्टिविटी करते हैं अपने आप को इंगेज रखने के लिए, यानी बिजी रखने के लिए. इंगेज का मतलब होता है बिजी रहना. ओके, एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई वर्क करना. What is the snow house of Eskimos called? जो snow house होता है, जो बर्फ़ का घर बना हुआ रहता है Eskimos का, उसे और क्या कहते हैं? ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि Eskimos जो है उनका snow house को हम लोग कुछ और भी कहते हैं. ये आप लोग SST में पढ़े होंगे. How do they make beautiful objects? वो लोग जो हैं सुंदर सुंदर objects कैसे बनाते हैं? पैसेज में था ना लास्ट 2-3 लाइन्स में कि वो अपने स्पेयर टाइम में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं कुछ कुछ चीज़ों के मदद से. सो क्वेश्चन इज़, हाउ डू दे मेक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स? वो लोग ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज अप्रूवल? जो बेटा भी पैसेज आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से कौन सा वर्ड अप्रूवल से मिलता है? व्हाट इज़ सेम एज? सेम एज का मतलब मिलता जुलता. और इंग्लिश में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है द वर्ड्स दैट आर सेम इन मीनिंग. ठीक है, तो अप्रूवल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की रजामंदी देना. ठीक है, तो ये अप्रूवल से मिलता जुलता वर्ड जो है ये आपको पैसेज में से ढूंढना है और आपको लिखना है. ठीक है, so first go through the passage, understand the passage, and after that first you have to write the question, then answer, then another question, then answer. okay, आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि एक ही बार में 1 से लेकर के जी तक क्वेश्चन लिख लोगे and after that answer. no, first you have to write question number A, then answer, then question number B, then answer C, then answer.
ओके एंड यू विल हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स ऑल्सो ओके यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स विद द मीनिंग ऑल्सो एंड द मीनिंग शुड बी इन इंग्लिश ठीक है. बहुत सारे बच्चे हिंदी में मीनिंग लिख करके भेजे हैं, आप लोग को हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट द मीनिंग्स इन इंग्लिश ओके एंड द वर्ड्स आर स्कीमोस आइवरी टर्फ इग्लू कार्व ठीक है. ये जो पांच वर्ड हैं, फर्स्ट इज स्कीमो, सेकेंड इज आइवरी, थर्ड इज इग्लू, फोर्थ इज कार्व एंड फिफ्थ इज टर्फ ओके. इन पांच वर्ड्स का मीनिंग आपको लिखना है और लर्न करना है और इसे आपको ग्रुप में भेजना है ओके. सो फॉर टुडे दिस इज योर वर्क. फर्स्ट यू डू इट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप, देन आई विल गिव यू अनदर वर्क ओके. थैंक यू.